हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लिख के आई हूँ पफ स्लिप की कटिंग एंड स्टिचिंग इस तरह से पफ स्लिप ये ट्रेंड में है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये देखिए इस तरह से आपको बैक पार्ट के ले लेना है या तो आपको फ्रंट पार्ट कोई भी पार्ट ले लेना है इस तरह से आपको आर्मोल नाप लेनी है जो भी आर्मोल आएगी उसमें आधा इंच कम करना है और इसके बाद इस तरह से ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है स्लीव के लिए चार फोल्ड में मैंने फेब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ ये हमारा खुला भाग है ये आपको अपोजिट साइड रखना है और बंद भाग आपको अपने साइड रखना है खुला भाग आपको अपोजिट साइड रखना है अब इस तरह से आपको जो भी स्लीव की लंबाई लेनी है उसमें मैं नीचे साइड से दो इंच का बॉटम बेल्ट जैसा अलग से लगाऊंगी तो इसलिए आपको मैंने इसमें दो इंच लंबाई में कम कर लिया है ये देखिए मैंने दस इंच पे लिया हुआ है बाकी जो हमारी फिक्स लंबाई है वो पूरी बारह इंच रहेगी मैंने दो इंच की बेल्ट अलग से लगाऊंगी कपड़ा लेके मैचिंग का ही लगाऊंगी कपड़ा बट तो मैं इसमें दो इंच से बेल्ट अलग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने ये जो फिक्स लंबाई है मैंने अभी दस इंच लेके रखी हुई है ये देखिए ये दस इंच मैंने लंबाई का कपड़ा ले लिया है अभी देखिए ये जो हमने कपड़ा है इस तरह ये जो बंद ये हमारा खुला भाग है यहाँ से हमें ये जो हमारी जितनी भी आरमूल की चौड़ाई आई थी उतना लेना है तो ये देखिए हमारी आरमूल की चौड़ाई थी दस तो मैंने उसमें आधा इंच कम करके साढ़े नौ लिया हुआ है और ये देखिए ये मैंने बंद भाग से पाँच इंच ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने नीचे साइड से भी और बॉटम साइड से भी पाँच इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ऊपर साइड से भी ये दोनों साइड से पाँच इंच एक्स्ट्रा और ये देखिए ये यहाँ से हमने निशान लगाया है जितना हमारी आरमोल है उतना हमने निशान लगाया और नीचे साइड हमें बॉटम की जो भी आपकी फ़िटिंग की बॉटम है उसमें दो इंच एक्स्ट्रा लेके कर यहाँ पर ये देखिए निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पे बॉटम का एक्स्ट्रा लेके हमने निशान लगाया जो हमारी फिटिंग की स्लीव है वो हमारी साढ़े चार है इसमें मैंने दो इंच एक्स्ट्रा करके मार्किंग कर लिया अब ये देखिए ये हमारा खुला बाग है यहाँ से हमें तीन इंच लेना है ये देखिए इस तरह से जिस तरह से हम खुले भाग में हमेशा तीन इंच लेते हैं और ये देखिए इस तरह से ये तिरछा करके ये देखिए साढ़े नौ पर हमने निशान लगाया बाकी जो हमारा पाँच इंच था वो एक्स्ट्रा है और इस तरह से हमने पत्ती का सेप दे दिया जैसे हम नॉर्मल स्लीप में लेते हैं सिर्फ हमें यहीं तक के साढ़े नौ तक ही देना है सेप बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमें कोई निशान नहीं लगाना है वो पाँच इंच पर हमें कोई भी निशान नहीं लगाना है जिस तरह से आपको दिख रहा है वीडियो में इस तरह से किससे ही आप निशान लगाइएगा और इस तरह से जो आपने निशान लगाया उस पर आपको कटिंग कर लेना है ये देखिए कटिंग करके दिखाती हूँ मैं इस तरह से आपको यहाँ तक कटिंग करना है सिर्फ ये यहाँ तक ही हमें कटिंग करना है ये देखिए इस तरह से हमारा स्लिप हो जाएगा जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया वहाँ पे हमें सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से और इसके बाद आपको इसमें कैसे करके ये जो गैदर्स है वो इस तरह से गैदर्स आ जाएंगे क्योंकि इसमें ये देखिए इस तरह से हमें सेंटर से ही गेदर्स देने रहेंगे तो ये देखिए इस तरह से जो हमने जितना पाँच इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ये हमारा पूरा आ जाएगा बॉटम में तो ये देखिए इसके हम सारे गैदर्स ले लेंगे ये देखिए मैंने ये नीचे बेल्ट लगाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है ये देखिए और हमें यहाँ से इसको मेज़र करना है जितनी आपकी बॉटम है उसके हिसाब से आपको ये कपड़ा कट कर लेना है इसकी जो चौड़ाई रखी हुई है वो मैंने चार इंच रखी है फोल्ड होने के बाद ये दो इंच रह जाएगा और ये जो इसकी जो गोलाई है वो मैंने जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लिया था बॉटम का उसके हिसाब से ही लिया हुआ है मैंने तो आप पाँच इंच हटा के उसके बराबर का पूरा ले लें मेज़र कर लें जो पेन ने पाँच इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया उसको मैंने नहीं इसमें जोड़ा हुआ है तो ये देखिए इतना हमने यहाँ से लिया बाकी जो पाँच इंच है वो हमारा गैदर्स में आ जाएगा इस तरह से तो इसलिए मैंने सिर्फ ये जो यहाँ से हमने बॉटम का निशान लगाया था ये उसकी ही बेल्ट कट की है मैंने वहाँ पे बंद भाग से तो इस तरह से तो चलिए अब मैं इसको स्टिच करना बताती हूँ आपको ये देखिए जो मैंने ये पाँच इंच पर लिया था ये मेरे इसमें ये जो चेक्स के निशान थे तो मेरे को इसलिए इसमें समझ में आ रहा था तो कौन से इस तरह से आप चाहें तो पाँच छः इंच पर निशान लगा के ये जो हमारी पाँच इंच के इधर साइड से निशान लगा के उतने में हमें पूरी बड़ी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पाँच पे टाका करके आपको बड़ी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से एक धागा आपको पकड़ना है और इस तरह से हमें इसमें गैदर्स देना है ध्यान रखना है कि आपका धागा टूटे ना धागा टूट जाएगा तो आपके गैदर्स फिर बीच में से ही वहीं से नहीं पड़ेंगे तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका धागा ना टूटे इस तरह से आपको इसमें गैदर्स दे देने हैं ये देखिए जिससे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बस आपको गैदर्स ही देना है तो नीचे साइड से और यहाँ से आपको मेज़र कर लेनी है कि आपकी आरमूल फिक्स आ रही है जितनी हमें चाहिए स्लीव के लिए और ये देखिए नीचे साइड से भी जो हमने पांच इंचा लिया था तो ये खुलने का दस इंच हो जाएगा हमारा मार्जिन तो ये देखिए यहाँ से हमें सेंटर से सेंटर से हमें बड़ी सिलाई लगानी है जिसे हमने ऊपर साइड किया था इस तरह से हमें बड़ी सिलाई लगानी है और ये जो धागे को है एक धागे को पकड़ते हुए हमें इसमें इस गैदर्स भरने हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये देखिए जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसके हमें सेंटर पे ऊपर साइड भी और नीचे साइड दोनों साइड हमने गैदर्स भर लिए हैं बस आपको इस तरह से आपको गैदर्स भरने हैं और इस तरह से आपको जो हमने बॉटम के लिए जब ने अलग से नीचे से दो इंच चार इंच की जो बेल्ट ली थी इस तरह से आपको इसमें लगानी है सिलाई जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपको एक बार फोल्ड करना है इसके बाद आपको इस तरह से फिर आपको एक बार फिर फोल्ड करना आधा इंच का और इस तरह से पूरा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें साइड से बिल्कुल इसमें स्टिच कर देना है बस इस तरह से ये आपको स्टिचिंग लगानी है और बाकी इस स्लीप में कोई भी कुछ भी इसमें ज़्यादा टफ़ नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते हैं तो अगर आप बिगनर्स में तो भी आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है और इस ड्रेस का जो फुल वीडियो है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी तो आप बताइएगा ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नए नए डिज़ाइन्स के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए डिज़ाइन्स लाती रहूँगी और इस तरह से आपको इसको अटैच भी कर लेना है स्लीप पे इस तरह से आपको स्लीप को अटैच कर लेना है सेंटर से आपको जो स्लीप में आपने कट लगाया था उस तरह से आपको शोल्डर के ऊपर सेंटर पे रखते हुए इस तरह से आपको पूरी स्लीप में सिलाई लगा लेनी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी